सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 232वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के चौथे अध्याय का चतुर्थ पाद प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 1376, चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद का पहला अधिकरण है। शीर्षक है राजसूय शब्दवाच्यानाम यागानाम एव फलार्थत्वाधिकरणम्। राजसूय शब्द से जिनको कहा जा रहा है, राजसूय शब्द के जो वाच्य हैं, राजसूय शब्द तो वाचक हुआ, और उससे जिनको कहा जा रहा है, ऐसे बहुत सारे कुछ कर्म हैं जो इससे कहे जाते हैं। अभी भाष्य के अंदर वो सब वचन आएंगे। तो राजसूय शब्द वाच्यानाम यागानाम एव, तो राजसूय शब्द से जिनको कहा जा रहा है उनमें से केवल यागों का ही। राजसूय शब्द से जिनको कहा जा रहा है उसमें कुछ याग हैं और कुछ बिना याग वाले भी हैं, बहुत सारे कर्म हैं, तो उनमें से जो याग हैं केवल उनका। यागानाम एव फलार्थत्वाधिकरणम, वही केवल फल के लिए होते हैं। इन्होंने विषय यहां से प्रारंभ किया है, लेकिन अंत में जो दिया है विदेवनादीनाम राजसूयांगत्वाधिकरणम। विदेवन आदि कुछ कर्म हैं, जू आदि, खेल आदि, वो राजसूय के अंग हैं, यानी प्रधान नहीं है, उनसे फल नहीं होता है, वो प्रधान से जुड़ करके उसमें सहायक होते हैं। तो भाष्य देखिए, संति अनुमत्यादीनी अष्टिकानी कर्माणी। राजसूय के अंतर्गत कुछ ये कर्म बताए जा रहे हैं, वहां वहां ये उल्लेख किए गए हैं। अनुमति आदि ऐष्टिक कर्म है, इष्टियां हैं, वो वहां पर कई तरह के कर्म की कहे गए हैं, और वहां पर कुल मिला के आठ हविर्याग कहे गए हैं, आठ हविर्याग कहे गए हैं, तो उनका संकेत है यहां पर। संति अनुमत्यादीनी ऐष्टिकानी कर्माणी। आगे कहा मल्हादय पशवः, मल्ह आदि कुछ पशु कहे गए हैं। तो मल्ह का मतलब अलग अलग लोग अलग अलग लेते हैं, लेकिन यहां जो कुल मिला के तात्पर्य निकला हुआ है कि ऐसी गर्भिणी अजा जिसके गले में दो मांसपिंड स्तनवत जो लटके रहते हैं वो हो, गर्भिणी अजा युधिष्ठिर जी ने आगे विवरण में लिखा है, तो उसको वो मल्हा कहलाती है। तो मल्हादय पशव, ये पशु भी कहे गए हैं। पवित्रादय है सोमाह, वहां कुछ सोमयाग भी कहे गए हैं, पवित्रादि सोमयाग, और कई तरह कई वहां पर सोमयाग कहे गए हैं, उसमें पवित्र भी है, पवित्रादि सोमयाग भी वहां पर पढ़े गए हैं। और वल्मीक वपायाम होमा, बांबी की मिट्टी में होम, यानी बांबी की मिट्टी से वहां पर निर्माण किया जाता है उसमें। तो वल्मीक वपायाम होम इत्येवम् आदिनी दार्वी होमिकानी, दार्वी होम वहां कुछ पढ़े गए हैं। दार्वी होम का मतलब हुआ कि दर्वी, कड़छी जैसी, जैसा पात्र रहता है उससे वहां पर होम किया जाता है, उसको दर्वी होम बोलते हैं, वो भी कहीं है वहां पर। तो ये शब्द ये दर्वी होम हो गए। आगे कहते हैं तथा पष्टौहिम दीप्यति, पष्टौही, तो पष्टौही के में भी अलग अलग इनकी मान्यताएं हैं, अलग अलग कुछ लोग मानते हैं,
पर यहाँ जो सामान्य रूप से कथन किया जाता है, तो जो ऐसी गाय जो बाल गर्भिणी हो, अभी अभी गर्भिणी हुई हो पहली बार, उसको पष्टोहिम दिव्यति, उसको जुए पे लगाता है, उससे जुआ खेलता है। राजन्यम जिनाति, और राजा को क्षत्रिय को परेशान करता है, पीड़ित करता है। राजन्यम जिनाति सौन शेपम आख्यायति, सुने शेप की कथा को वहां पर कहता है। अभिषिच्यते और अभिषेक करता है, रास्तिलक आदि जो भी उस समय अभिषेक आदि किया जाता है, तो वो उससे जुड़ी हुई बात है, ये भी वहां पर पढ़े गए हैं। तो एतेषां सन्निधौ श्रूयते, इन सबको वर्णन करके इनके पास में ये वचन मिलता है, राजसूयेन स्वराज्य कामो यजेत, तो स्वराज्य की कामना वाला राजसूय से यजन करे, राजसूय के द्वारा स्वराज्य की प्राप्ति करे, ये एक वचन मिल गया है यहां पर। अब प्रश्न उठा रहे हैं कि स एष रूपवताम सन्निधौ अरूपः शब्दः श्रूयमाणः समुदाय वाचकः समधिगतः। ये जो राजसूय शब्द है, ये समुदाय का वाचक है। एक राजसूय याग, राजसूय करके कोई एक चीज कही जा रही हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें जो यहां कही गई हैं, उनके साथ में ये पढ़ा गया है। और ये जो राजसूय ने स्वराज्य कौमो ये जेता, ये है अरूप। इन्होंने क्या लिखा, स एष रूपवताम सन्निधौ अरूपः शब्दः श्रूयमाणः, रूप वालों के साथ में। रूप का मतलब हुआ यज्ञ का रूप क्या होगा, जहां देवता का कथन हो अथवा हवि का द्रव्य का कथन हो। द्रव्य और देवता का कथन है तो वही उसका रूप है। तो जो अन्य चीजें कही गई हैं, वहां पर देवता अथवा द्रव्य का कथन मिल रहा है, तो वो तो रूपवान शब्द है। उनके साथ में ये कैसा है, अरूपः शब्द। राजसूय न स्वराज्य कौमो यजेता, यहां पर न द्रव्य है न देवता है, तो ये अरूप वाला वाक्य हो गया। तो अरूपः शब्द श्रूयमाण समुदाय वाचक समधिगत, ये समुदाय का वाची होगा। इसका अपने आप में अर्थ नहीं है कि ये किसी एक ही बात को कह रहा है, आसपास में जो पड़े हुए हैं रूपवान, उन सब का समूह रूप से ये राजसूय शब्द कथन करता है, वो उसके अभिधेय होंगे, वाचक होंगे, वाच्य होंगे। तत्र संदेह, अब इसमें संदेह उठा रहे हैं, किम सर्वेशाम अनुमत्यादीनाम समुदायस्य राजसूय शब्दो वाचक उत केशांचित वाचक केशांचित न इति। तो ये जो अनुमत्यादि ऊपर गिनाए थे, इन सब का वाचक ही राजसूय शब्द है, अथवा कुछ का वाचक है और कुछ का नहीं है। तो कुछ का वाचक है का मतलब है कि जो याग है केवल उनका वाचक है, और जो याग नहीं है उनका वाचक नहीं है, ये उनका ग्राहक नहीं है, अथवा याग और यागेतर जो भी चीजें हैं उन सब का वाचक है ये राजसूय शब्द। ये प्रश्न उठाए हैं, किम प्राप्तम। पूर्व पक्षी कहता है प्रथम सूत्र में, प्रकरण शब्द सामान्य चोदना नाम अनंगत्वम। तो यहां पर प्रकरण चूंकि एक ही चल रहा है, ये जो राजसूय शब्द है ये सबके लिए समान है। प्रकरण शब्द सामान्य, ये राजसूय शब्द यहां पढ़ा गया है, इस प्रकरण में पढ़ाया गया है, और वो सामान्य रूप से कथन है, किसी विशेष को लिखित करके तो कहा नहीं गया कि ये इनका होगा। तो प्रकरण शब्द सामान्य चोदना नाम अनंगत्वम, जो चोदनाएं हैं यानी जो अन्य जितने भी कर्म कहे गए हैं उन सबका अनंगत्व है, वो अंग नहीं है, यानी वो प्रधान है सारे के सारे, समान रूप से सब प्रधान है। तो समान रूप से सब प्रधान है तो राजसूय शब्द उन सबको कहेगा, ये तात्पर्य निकलेगा। भाष्य सर्वेशां वाचका इति, सभी कर्मों का वाचक है, एक पक्ष को इसने ले लिया। कुतः प्रकरण शब्द सामान्यात, सूत्र का अंश है इसको खोल रहे हैं, प्रकरण शब्द सर्वेशां समानो राजसूयेन इति। तो ये जो राजसूय शब्द के साथ इनकी सबकी समानता है। तो राजसूय न यजेता, ये राजसूय न स्वराज्य कामो यजेता, ये सबके साथ में लग जाएगा इस रूप में, ये सबका समान हो गया। राजसूय शब्द का क्या अर्थ होता है उसको खोल रहे हैं, राजा तत्र सूयते तस्मात राजसूय, तो राजा वहां पर समन करता है इसलिए उसको राजसूय कहते हैं। राज्यो वा यज्ञो राजसूय, राजा का जो यज्ञ होता है उसको राजसूय कहते हैं। तो सूयते अस्मिन इति सूय यज्ञ, ये तो हम ले ही लेते हैं वहां पर राजसूय। तत्प्रकरण सन्निधाने सति विशेषा भावे च सर्वेशां वाचको भवितुम अर्हति।
तो वहां पर प्रकरण के सन्निधि में के होने पर और विशेष का अभाव होने से ये सबका वाचक हो सकता है, सबका वाचक हो जाएगा। यश्च राजसूय शब्दितः तथा फलम भवति, और जो जो भी राजसूय शब्द से कहा जाता है, संकेतित किया जाता है, यानी उसका वाच्य है, उससे फल होता है, उन सबसे फल होता है। तस्मात सर्वाणि प्रधानानि इति, इसलिए सभी प्रधान है। राजसूय शब्द फल से जुड़ा हुआ है, राजसूय शब्द से जिन जिन को कहा जा रहा है उन सबसे फल होना चाहिए, तो सबसे फल होता है तो सभी प्रधान हो जाएंगे। यदि किसी से फल नहीं होता है और अपने आप में अलग से, तो वो अंग के रूप में आ सकता है, किसी प्रधान के साथ में जुड़ सकता है। यहां पर जो राजा तत्र सूयते, तस्मात राजसूय सूयते जो लिखा हुआ है, तो ये सूयते वैसे कर्तृवाच्य के अंदर तो सूते सुवाते सूयते ऐसे बनता है, नहीं सुबते, हाँ सूते सुवाते सुबते बनता है, तो या तो हम इसको सुबते करें, राजा तत्र सुबते, राजा किया जाता है, तो ये कर्मवाच्य में मानना पड़ेगा ना, इसको कर्मवाच्य में मान करके करें, राजा तत्र सूयते, राजा वहां पर कर्म में आ गया, राजा के द्वारा किया, राजा का अभिशव किया जाता है, हाँ सवन किया जाता है, वैसे राजसूय सोमयाग है, राजसूय जो है वो सोमयाग है, हम ये सूयते का मतलब वहां वैसे निचोड़ने वाला, वो जो सोम वाला जो अर्थ लेते हैं ना सामान्यतः, सोमस्य अभिशवन भवति राज्य भवति, नहीं यहां तो राजा को कर्म, इसीलिए तो प्रश्न में दिक्कत आ रही है ना इस वाक्य में, वाक्य रचना में, तो या तो हम कहें कि राजा के द्वारा वहां पर सवन किया जाता है, ऐसा करेंगे तो यहां पर राज्य आना चाहिए, राज्य तत्र सूयते, लेकिन यहां पर राजा शब्द लिखा है, राजा का अभिषेक किया जाता है, राजा को किया जाता है, एक कर्म मान करके यहां पर प्रथमा विभक्ति की गई है। तत्तु यदा राजा नृपत्वं प्राप्नोति तदानीं भवति सोमयाग अभिषेक राज्य न भवति, नहीं सोमयाग में तो नहीं होता, राजसूय में राजा का तो होता है ना, वैसे ये दिवादी गण में है, एक तो शूय अभिषेक धातु है और एक शुंग प्राणी गर्भ विमोचन है, यानी उत्पत्ति के, उत्पत्ति को बताने वाली, तो वो एक तो अदादी गण की है उसमें तो सूते बनता है, और दिवादी गण की है उसमें सूयते बनता है, दिवादी गण की मानेंगे तो प्राणीगर्भ विमोचन अर्थ में है, तो उसको उत्पत्ति का प्रतीक अगर मानेंगे, राजा तत्र सूयते, मैं एक दूसरे ढंग से बोल रहा हूं, अब सूयतों को हम कर्मवाच्य नहीं मान रहे, कर्तृवाच्य मान रहे, राजा वहां पर उत्पन्न होता है, राजा बनता है, अभिव्यक्त होता है, नहीं है। हाँ शुंग वो तो प्रसव ऐश्वर्य वाले, प्रसव के अर्थ में है ना, शुंग प्रसव ऐश्वर्य, अच्छा शूय अभिषेक है एक तो, और शुंग शुंग प्रसव ऐश्वर्य हो, प्रसव और ऐश्वर्य में भी है, तो उत्पन्न उत्पत्ति अर्थ में ले सकते हैं ना, तो राजा तत्र सूयते तस्मात राजसूय, राज्यो वा यज्ञो राजसूय, ये भी हो गया, दो तरह से किसी भी तरह करते हैं। तत्प्रकरण सन्निधाने सति, और उस प्रकरण का सन्निधान हो गया, ये तो पूरा हो चुका ना, तस्मात सर्वाणि प्रधानानि इति, ये सब प्रधान हैं इस रूप में, ये पूर्व पक्षी ने कहा। इस पर अब सिद्धांति कह रहा है दूसरा सूत्र, अपि वा अंगम अनिज्याः अनिज्या स्युः ततो विशिष्टत्वा, ये जो अनिज्या है ये अंग रूप में हो गए, क्योंकि वो जो कर्म है उसमें सबके सब याग नहीं है, इज्ञा नहीं है, कुछ वैसे भी हैं कर्म, तो वो तो अनिज्या, तो वो जो अनिज्या है वो तो अंग हो गए, अपिवा अंगम अनिज्या स्यु, स्पष्ट हो गया।
तो याग हैं वो तो प्रधान के रूप में आएंगे, और बाकी जो हैं अनिज्ञा रूप हैं वो अंग के आएंगे। ततो विशिष्टत्वात्, क्योंकि उनसे ये विशेष हैं। यानी उसमें विशेष का मतलब है कि यहां पर अलग ढंग से उनसे है कि ये सीधे सीधे यजेता शब्द से गृहित नहीं होते हैं। दोनों में विशेषता है, एक में याग का कथन होता है, एक में हमें पता लग जाता है कि दूसरे के लिए ये अंग रूप में कथन है। भाष्य, अपिवा पक्ष व्यावृत्ति, पूर्व पक्ष को हटाया, या अनिज्ञास्ता अंगम यथा विदेवन आदय, जो उसमें इच्छा नहीं है वो अंग के रूप में आएंगे जैसे विदेवन आदि। तो विदेवन आदि में इसमें जैसे पष्ठोहिम दीप्यति, विदेवन जुए के लिए कि वहां जो जुआ आदि खेला जाता है उसके अंतर्गत का वो याग नहीं कहलाएंगे। तो राजसूय संजकेन यागेन स्वराज्यम साध्यते न अयागेन। तो जब ये कहते हैं राजसूय के द्वारा स्वराज्य की कामना की जाती है, उसका मतलब है राजसूय संजकेन यागेन, इसको साथ में जोड़ा, याग के साथ में स्वराज्य को सिद्ध किया जाता है, न कि अयाग से, विदेवन आदि के द्वारा नहीं। अयागाश्च विदेवनादय, ये विदेवनादि तो याग नहीं है। तस्मात् अंगम भवेयुः इच्छानां फलवतीनां श्रूयमाणा इति। तो ये जो सुने जाते हुए हैं अंग, ये इच्छाओं के होवें, फलवती इच्छाओं के होवें, फलवती इच्छाओं से जुड़ेंगे। यूं तो उनकी सार्थकता है वहां पढ़ना, लेकिन स्वतंत्र उनका फल कथन नहीं है। तो इसलिए राजसूय शब्द से किनका ग्रहण होगा, यागों का ग्रहण होगा, बाकी का ग्रहण नहीं होगा। बाकी वो अंग के रूप में राजस अन्य यागों से जुड़े हुए हैं, उस रूप से वो उसके अंतर्गत ही आते हैं, राजसूय के अंतर्गत आएंगे, लेकिन राजसूय शब्द से तो केवल सीधे सीधे यागों का ग्रहण होगा। इसमें तो नीचे जो लिखा है ना, राजा तत्र सूये थे, इन्होंने राजा वहां अभिषिक्त तो होता है, अभिषिक्त तो होता है, वहां पर राजा के द्वारा रस निकाला जाता है, वो भी एक प्रक्रिया है। तो उस दृष्टि से इसको राज्या तत्र सूयते, इस रूप में भी इस वाक्य को हम देख सकते हैं, राज्या तत्र सूयते, सोम का रस निकाला जाता है। राजसूय सोमयागी है, तो इस तरह से इन्होंने कहा विदेवन आदियों का राजसूयांगत्वाधिकरण। इसमें देखिए, एक तो दिव्यति वाली बात है, उसका जुआ आदि खेलते हैं, जुए को हम निंदित मानते हैं, जुआ नहीं खेलना चाहिए, तो जुआ निंदित क्यों है? बिना पुरुषार्थ के कुछ लेने की इच्छा रहती है, जिसको हमने नहीं कमाया उसको भी लेने की इच्छा रहती है, इसलिए वो गलत है। तो राजा जब युद्ध करता है और दूसरे राज्य की संपत्ति आदि सब वो लेता है, तो उसका कमाया हुआ थोड़ा ना होता है। अब कोई कहने लगे कि नहीं जी, मैंने तो युद्ध करके कमाया है, यही मेरा कमाना हो गया, और जुए वाला भी कहेगा जी जुआ खेल के मैंने इसको कमाया है, ऐसे ही थोड़ा ना कमा लिया, जुआ खेला है मैंने, और चोरी करने वाला भी ऐसा ही बोलेगा, यूं ही थोड़ा ना है, मेहनत की है मैंने इसके लिए, और रिश्वत लेने वाला भी कहेगा कि मैंने दिमाग लगाया है, दिमाग लगाया ये कि ऐसे ही थोड़ा ना हो जाता है, इस पद पे आया हूं और मैं रिश्वत ले सकता हूं इत्यादि। लेकिन इसमें वो जो हानिकारक अंश है, ये प्रतीक के रूप में यहां पर होता है कि एक जीतने की इच्छा होती है, लालसा होती है कि मेरे को ये चीजें होनी चाहिए। जुए के पीछे एक लोभ काम करता है, मेरे पास अधिक धन हो, अधिक धन हो मैं लूं, उसके लिए प्रयत्न करूं और दूसरों से हार ना जाऊं, जुए में दोनों बातें रहती हैं, और दिमाग बहुत तेज चलाना पड़ता है, जुए में व्यूह रचना करनी पड़ेगी, कहाँ वो आजकल के भी जुए हैं उसमें भी दृष्टि तेज रखनी पड़ती है, कहीं ऐसा वैसा ना हो जाए, सब कुछ बहुत कुछ सोच करके रणनीति बना करके चलना होता है। ये कुछ उसकी एक उसका एक प्रशिक्षण, उस तरह का एक अभ्यास, इस रूप में ही केवल वहां पर समझना चाहिए। बाकी कोई उसमें जुए में कोई चीजें, एक छोटी मोटी चीजें हार गया या दूसरे को मिल गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वहां पर, पर जुए की आदत पड़ जाती है तो हानिकारक होती है, घर परिवार बर्बाद होते हैं, इसलिए वो उसका निषेध किया जाता है। लेकिन इतने से प्रयोजन के लिए, अगर औषधि के रूप में, जैसे कि मध्य आदि,
ठीक है, मध्य हानिकारक है, लेकिन इसका ये अर्थ तो नहीं है कि औषधियों के अंदर उसका अल्कोहल का प्रयोग ही नहीं हो। असवरिष्ट में होता ही है, एक निश्चित मात्रा में होता है, सीमित मात्रा में होता है, और उसकी अपनी उपयोगिता है। तो केवल अल्कोहल और उसी को देख करके ही हम सिर चढ़ा लें, ऐसा तो ठीक नहीं है। औषधि के रूप में और सीधी सीधी ये ब्रांडी आदि भी पिलाई जाती है औषधि के रूप में, किसे तो थोड़ी सी बच्चों को पिलाते हैं, चाय कोई चाय में डाल के पिलाता है, अतिसार हो रहे हैं, जिसमें ऐसे कई तरह के प्रयोग देखे जाते हैं, तो उस मात्रा में लिया जाता है, जिस भी काम के लिए लिया किया जाता है। तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि ये शराब पीता है, शराब पीता है। अब जैसे किसी ने कहा कि इसने शराब पी औषधि के लिए, किसी के लिए, या वैसे भी किसी ने मान लो एक बार पी, बोले मैंने शराब पी लेकिन मैं पीता नहीं हूं, शराब पी लेकिन मैं शराब पीता नहीं हूं, ये तो परस्पर विपरीत बातें हो गई। पी इसका मतलब है तो पीते हैं, लेकिन पीता है का मतलब क्या हुआ? नहीं नहीं आदतन, आदतन है, वे पीता है शराब। अब पीता है का मतलब वो आज भी पीता है, कल भी, या तो बार बार पीता है, महीने में कई बार पीता है, बार बार, ये एक आदत में आया हुआ है, उसको कहते हैं कि भाई आप पीते हो क्या, आप शराब पीते हो क्या। तो मान लो कोई कहता है नहीं शराब नहीं पीता हूं, बोले उस दिन तो पी थी आपने, कभी देखा हो उसको पीते हुए पार्टी आदि में, कभी कोई ऐसे अवसर पर उसने पी, तो बोले हाँ उस दिन पी थी लेकिन मैं पीता नहीं हूं। नहीं, पिलाई गई है, पी भी ली उसने, लेकिन पी ली तो मैं पीता नहीं हूं, ई सिगरेट के लिए और चीजों के लिए, ऐसा ऐसा ही झूठ बोलने के लिए भी आप झूठ बोलते हो, आप झूठ बोलते हो तो क्या कहेंगे आध्यात्मिक दृष्टि से, बोले आप झूठ बोलते हो, बोले झूठ तो नहीं बोलता हूं, बोले उस दिन आपने झूठ बोला था, ऐसा कह सकता है ना कोई। तो अगर उसने, वैसे तो झूठ नहीं बोलता है लेकिन उसने कभी थोड़ा झूठ बोल दिया, तो बोले नहीं हाँ ठीक है उस दिन बोला था, लेकिन इससे ये नहीं कि मैं झूठ बोलता हूं, यानी झूठ बोलने की आदत नहीं है, लेकिन झूठ निकल गया या मैंने सप्रयोजन बोला किसी भी अच्छी चीज के लिए, कुछ ऐसा कर दिया उसने, तो दोनों में अंतर होता है कि, और दोनों में अंतर करना भी चाहिए कि एक तो आदतन है, और नहीं तो जो आदतन होते हैं वो तो सरलीकरण करने के लिए बहुत तैयार रहते हैं अपने वर्ग को बढ़ाने के लिए, बोले मैं शराब पीता हूं, और वो भले ही दिन भर धुत रहता है, बोले वो भी तो पीता है, वो दूसरा वाला भले ही कभी पीता हो, वैसे कभी कभार पी ली, या तो सिगरेट कभी पी ली, ऐसा, या तो और भी कई चीजों के अंतर्गत है, मान लो प्याज लहसुन खाने का है, मिर्ची खाने का है, और बहुत सारी चीजें जो हम सामान्यतया नहीं करते लेकिन कभी कभी करते हैं, तो उस जो हमेशा करते हैं वो उसको आधार बना लें कि भाई नहीं उनको वो भी करते हैं, वो भी पीते हैं, वो भी खाते हैं, ऐसा वो भी ऐसा करते हैं, बाहर खाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो उसमें दोनों में अंतर होता है, उसको सहारा नहीं लिया जा सकता भी, एक होता है कि हमारी आदत है हम ऐसा करते हैं, और एक है कि कभी किसी स्थिति में हमने ऐसा किया है। तो ये जो है यहां पर जुआ जो है ये वो उस तरह से आदतन नहीं है, किया जाता है बस कुछ उसके लिए। और राजनियम जिनाति, राजा को क्षत्रियो को परेशान करता है, तो राजा को कैसा होना चाहिए, क्षत्रियो को परेशान करने वाला होती है, पर क्षत्रियो को परेशान करता है, नहीं दुष्ट को नहीं, अब यहां दुष्ट के लिए नहीं कहा जा रहा है, वहां याग चल रहा है और उसमें दुष्ट को थोड़ा वो परेशान करने, दुष्ट व्यक्ति को लाए, वो तो राजा बनेगा तब जो दुष्टों को दंड देता है या जीतता है वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन कष्ट देना, एक तो ब्राह्मण को कष्ट देता है, एक वैश्य को कष्ट देता है, एक क्षत्रिय को कष्ट देता है, तो किसको कष्ट देना चाहिए भाई? ब्राह्मण तो बहुत जल्दी कष्ट में चला ही जाता है, वैश्य भी जल्दी चला जाएगा सामान्यतया, लेकिन राजा तो क्षत्रिय लोग हैं वो तो उसी तरह उनका प्रशिक्षण होता है, वो इतनी जल्दी दुखी नहीं होते, वो इतनी जल्दी झुकते नहीं है, उनके उनको तीर लग जाए, उनको गोली लग जाए, उनकी उंगली काट लें तो भी वो झुकते नहीं है, दूसरा व्यक्ति तो बहुत जल्दी झुक जाए। तो जैसे कर्ण के विषय में आई थी बात, कीड़े ने बिच्छू ने काटा था, कीड़े ने काटा और वो खून बहता रहा और वो हटे नहीं वहां से,
और परशुराम को पता लग गया। ये एक परीक्षण है ना भाई, गुणसूत्र भी तो काम करते हैं, उनका भी तो अपना इतनी पीढ़ियों से जो चला आ रहा है, जिसका जैसा भी रहा तो उसका असर तो आता ही है ना कुछ ना कुछ। तो कई पीढ़ियों से शरीर ही ऐसे बने हुए हैं कि जो कभी भूखे प्यासे लड़ रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, और एक खूब व्यायाम कर रहे हैं, थक रहे हैं तो भी चलते चले जा रहे हैं। वो एक मुद्दा रहता है चलने का शरीर के रूप से, और कहीं बुद्धि के रूप से होता है कि कुछ भी हो परेशानी तो भी उसमें जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और नहीं तो व्यक्ति निवृत्त हो जाता है, उससे दूर हो जाएगा। तो क्षत्रिय को, राजा को, जो ये राजसूय कर रहा है, वो किनको पीड़ित करने कर सकने की सामर्थ्य वाला होना चाहिए? क्षत्रिय को भी पीड़ित कर सके ऐसा उसका होना चाहिए, इस तरह की उसकी होनी चाहिए। नहीं तो छोटे मोटे को पीड़ित कर दिया तो उससे क्या है, वो उतने में ही खुश हो जाए, हाँ मैंने दूसरे को पीड़ित कर दिया। नहीं, जो क्षत्रिय है उसको भी झुका सके, उसको भी पीड़ित कर सके, उसको भी लगे कि हाँ मनवा सके अपनी बात को, ऐसी सामर्थ्य उसकी होनी चाहिए। अब ये प्रयोजन उसको कष्ट देने का नहीं है, लेकिन ये सामर्थ्य राजा में होनी चाहिए ना। पुलिस वाले होते हैं, ये जो बहुत घाघ अपराधी होते हैं उनके भी मुंह से निकलवाते हैं, वो सब उसमें होना चाहिए ना। अब सामान्य आपके हमारे जैसे हो, थोड़ा सा वो डांट दे, एक दो डंडे लगा दे, तो ही व्यक्ति चिल्ला करके अपनी बात को कबूल कर लेता है दोषों को। और ये होते हैं जैसे, अथवा बहुत पुराने आतंकवादी होते हैं, उनको कितना पीट लो कर लो, ऐसे बने रहते हैं, बोलते ही नहीं है, वो सहन कर लेते हैं, लेकिन उनके मुंह से भी निकलवा लेना, उनके नखून फाड़ने हैं तो नखून फाड़ने हैं, उनको बेहोश करना है तो करना है, गर्म पानी डालना है, ये करना है, वो करना है, उसको इतना करके भी वो निकलवा सके, ये सामर्थ्य है एक सिपाही के अंदर, अथवा जो सीबीआई, ये गुप्तचर विभाग वाले होते हैं, चीजें निकालते हैं, उनमें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं तो शासन थोड़ा ना कर सकता है वो, राजसूय कर रहा है वो, इतना बड़ा शासन कर रहा है, तो हर किसी से निकलवाने की उसकी सामर्थ्य होनी चाहिए, और उतना परेशान करते हुए वो अपने को स्थिर रख सके, खुद नहीं परेशान हो जाए, और खुद भी उसको जब मैंने देखो इसको इतना पीट दिया, ये कर दिया, दया आ जाए उसके अंदर। राजा नहीं बन सकता, राजसूय नहीं बन सकता। तो ये प्रतीक के रूप में, चाहे जुआ खेलना हो या राजा को, क्षत्रिय को पीड़ित करना हो, ये क्षमताएं उसमें होनी चाहिए, दोष नहीं मानी जाती है, दोष के रूप में कथन नहीं है। वो जिस पद पे जा रहा है वहां उसके लिए ये सब होना चाहिए। अब सैनिक वगैरह जाते हैं, कमांडो जाते हैं, उनको सब उनको मूत्र भी पिलाया जाता है, सामान्य व्यक्ति अपना मूत्र नहीं पिएगा, ठीक है, जो मूत्रपान करते हैं सो मूत्रपान उनको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सामान्यतः व्यक्ति कर नहीं सकता है मूत्रपान, दिक्कत आती है, हिचक होती है, कुछ भी खा लेना, पत्तों को खा लेना, भूखे रह लेना, बिना बिना पानी पिए रहना, ये सब उनसे करवाया जाता है, उनको किया, उनके लिए वो आवश्यक है। अब कोई शाकाहारी है और वहां पर वो चीज नहीं मिल रही है तो भी उसको देश के लिए करना है, और कुछ भी खा करके अपने को जीवित रखना है, काम करना है, वहां ये बिंदु नहीं रहता है कि इसने शाक खाया है या मांस खाया है, एक सामान्यतया अलग बात होती है, मूत्र पिया है या सामान्य पानी पिया है, उसकी सामर्थ्य होनी चाहिए, गंदा पानी हो तो भी पी ले, किसी तरह काम चला ले अपना, गंदा पानी पीने के लिए विधान नहीं है, पर इनके लिए ये सब चीजें की जाती हैं, करनी पड़ती हैं, उनको रात रात भर जगाया जाता है, सोते हैं तो जगाया जाता है, रात रात भर मेहनत करवाई जाती है उनको, नहीं कोई रात को जगना कोई विधि विहित तो नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उनको तो करवाया जाएगा। तो प्रयोजन विशेष से ये चीजें की जाती हैं और वो अनुचित नहीं मानी जाती है। इनको रात रात भर दौड़ाते हैं तो खासतौर से रात को दौड़वाएंगे, इनको नींद आ रही है तो भी काम करवाएंगे, आदत डालनी पड़ती है, नहीं तो अनजानी जगह में जिसको आदत नहीं है वो तो सोने लग जाएगा, दो तीन दिन जग लिया, रात दिन कुछ नहीं हो रहा है तो थक्के चूर हो जाते हैं, इतना जगह खजाना करना, मेहनत, थक्के चूर हो गया आदमी की, आंखें एकदम बंद हो जाए, नींद आ जाए, और आ गया तो गए बस काम से। तो ये सब अतियों में जाकर के उनको करवाया जाता है और इनको दोष नहीं माना जाता, इसी दृष्टि से ये समझना चाहिए हमारे को। है? जब युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया था तो उस समय पहले उसका दिग्विजय हुआ था, चारों दिशाओं में चार भाई गए थे और सबने सभी राजाओं को जीत करके जीत फिर करके आए थे, इसके बाद में राजसूय यज्ञ, अधिकारी तभी बनता है। हाँ, और ये कोई वैसे आक्रामक रूप में नहीं है, स्वार्थ वाला नहीं है, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए ये सब अनुकूल चलें और एक शासन में चलें, जनता हितकारी, जनता के लिए हितकर हो सके, वो उन सब अच्छे प्रयोजनों के लिए
गलत प्रयोजन ला करके तो हर चीज निंदित हो सकती है, कुछ भी कार्य हो, उस तरह का नहीं। अच्छे दृष्टि से ये सब चीजें की जाएंगी, ये आवश्यक है। अगला अधिकरण देखिए, दूसरा, विदेवनादी नाम कृष्ण राजसुयांगताधिकरणम। विदेवन आदि जो, यानी जू आदि जो चीजें वहां पर बताई गई थी, वो किसके अंग बनेंगे ये प्रसंग यहां पर है। तो इनका है कि पूरे राजसूय के अंग कहलाएंगे। वो पढ़े तो कहीं किसी के पास में गए, किसी के अंतर्गत गए, तो जहां पढ़े गए उसी के अंग होंगे या पूरे राजसूय के, यानी राजसूय वाचक जितने भी याग हैं और सब हैं उन सबके अंग माने जाएंगे या किसी एक भाग के माने जाएंगे, ये विचारणीय विषय था। तो कृष्ण राजसूय के ये अंग कहलाएंगे। राजसूय के अंतर्गत 5 सोमयाग किए जाते हैं, उसमें से एक सोमयाग का वर्णन यहां पर है जिसके अंतर्गत ये चीजें पढ़ी गई हैं। देखिए, राजसूय अभिषेचनीय मध्य पष्टौहीं दीप्यति इति विदेवनादय समामनातः। तो राजसूय में जो अभिषेचनीय है उसमें 5 सोमयागों में से ये एक सोमयाग है, उसके अंतर्गत ये पढ़ा हुआ है पष्टौहीं दीप्यति इत्यादि विदेवनादि वहां पर पढ़े गए हैं। तो ते किम अभिषेचनीयस्य अंगभूत अंगम उत कृष्णस्य राजसूयस्य इति संशय। तो अभिषेचनीय के ही अंग कहलाएंगे वो, अथवा पूरे राजसूय के अंग कहलाएंगे, ये यहां पर संशय उठाया गया। उच्चते, ये पूर्व पक्षी कहता है मध्यस्थम यस्य तन्मध्ये, बोले जिसके बीच में है उसी के ये माने जाएंगे, उसी के अंग माने जाने चाहिए। सामान्यतः तो हम ऐसे ही देखते हैं ना, जहां पर जिसके अंग में पढ़े गए हैं, क्योंकि इतने सारे याग हैं उसमें एक ही में, तो यदि सब पे लगते हैं तो अलग से पढ़े जाएंगे। जैसे हम कुछ चीज़ों को सब जगह लगाते हैं, अनारभ्यातीत विधियां जो होती हैं वो सब जगह प्राप्त होने लग जाती हैं, लेकिन अगर किसी विशेष में पढ़ा गया हो तो वहीं लगता है। ये एक सामान्य नियम हमारी समझ में आया हुआ है, उस दृष्टि से ये प्रश्न उठेगा। तो पूर्व पक्षी उस दृष्टि से अपना उत्तर दे रहा है, मध्यस्थम यस्य तन मध्य, तो मध्यामनानाद अभिषेचनीयस्य इति, क्योंकि अभिषेचनीय के मध्य में पढ़े गए हैं इसलिए उसी के होंगे। तथा आनंतर्यम अनुग्रहिष्यते इति, और ऐसा होने पर ही आनंतर्य यानी उनकी जो निकटता है उसका अनुग्रह होगा। नहीं तो प्रश्न ये उठेगा ना कि अगर ये आप सब पे लगा देते हो पूरे राजसूय पे, तो इसको यहां अभिषेचनीय में क्यों पढ़ा गया है, ये प्रश्न खड़ा होने लगेगा। तो ये जो आनंतर्य है कि अभिषेचनीय में पढ़ा गया है, इसका अपना क्या प्रयोजन है? तो भाई इसके ये अंग है, औरों के अंग नहीं है, पूर्व पक्षी ने बात रखी। सिद्धांत इस पे बोले, सर्वासाम वा समत्वात् चोदनातः स्यात्, नहीं तस्य प्रकरणम देशार्थम उच्यते मध्ये, नहीं तस्य प्रकरणम देशार्थम उच्यते मध्ये। तो सर्वासाम वा समत्वात् चोदनातः, चोदनातः समत्वात्, चोदना के समान होने के कारण से, कथन के समाधान, उपदेश के समाधान होने से सर्वासाम वा स्यात्, ये तो सबके लिए होंगे, सबके अंग कहलाएंगे। नहीं तस्य प्रकरणम, क्योंकि वहां पर अभिषेचनीय का कोई प्रकरण नहीं है। ये जो अभिषेचनीय के अंदर जो पढ़ा गया है देशार्थम उच्यते मध्य, वो उस स्थान पर किए जाएंगे इसलिए वहां पर पढ़े गए हैं। एक तो है कि वहां इसलिए पढ़े गए कि उसके अंग हैं, और एक है कि इतने सारे सोमयाग में ये कर्म कहां किया जाएगा, तो बोले अभिषेचनीय जिस समय चल रहा होगा वहां किया जाएगा, उसका देश यानी काल स्थान क्रम बताया जा रहा है कि यहां किया जाएगा, मात्र उसके लिए ये पढ़े गए हैं, है पूरे के अंग। भाष्य, सर्वासाम च अनुमत्यादीनाम चोदनानाम अंगम विदेवनादि स्यात्। तो अनुमति आदि जितने भी हैं ये सब चोदनाओं के ये अंग होवे विदेवनादि, कुतः चोदनातः समत्वात्, समाना एता अनुमत्याद्याश्चोदना, अनुमति आदि का जो कथन है वो सब समान रूप से हैं। ताहा सर्वा फलवत्यश्च प्रधानभूता, वो सारे के सारे फल वाले हैं, प्रधान हैं, जो पीछे हम देख करके आए हैं। तो सर्वासाम आसाम प्रकरण नहीं अभिषेचनीय से केवलस्य, केवल अभिषेचनीय का प्रकरण नहीं है, इन सभी का ही प्रकरण वहां पर चल रहा है। क्रमाद अभिषेचनीय से प्राप्नुवंती प्रकरणात् सर्वासाम, तो क्रम के आधार पर तो वो अभिषेचनीय का प्राप्त हो रहा है क्योंकि उसी क्रम में पढ़े गए हैं, लेकिन प्रकरण की दृष्टि से वो सबके प्राप्त हैं। और प्रकरण और क्रम में, क्रम का मतलब है स्थान, तो उसमें कौन बलवान, तो प्रकरण बलवान होता है। प्रकरणम च क्रमात् बलीय, तस्मात्
न अभिशेचनीय से केवल से इति, केवल अभिशेचनीय के अंग नहीं होंगे। अभिशेचनीय से तु मध्य स्थानम विदेवनादीनाम तत्र क्रियमाणा सर्वासाम उपकुर्वन्ति, तो वहां किए जाते हुए सबका उपकार करते हैं, केवल वहां पढ़े गए हैं वहां किए जाते हैं। तो इस प्रकार विदेवनादीनाम कृष्ण राजसूयांगता अधिकरणम। आगे तीसरा अधिकरण है सौम्यादीनाम उपसत कालकत्वाधिकरणम। सौम्य आदि कुछ कर्म हैं उनके अलग अलग, सौम्य चरु होता है या कुछ पुरराश होता है, इन सब के कुछ आगे वचन आएंगे। तो सौम्यादीनाम उपसत कालकत्वाधिकरणम, ये उपसत के साथ में उनका वर्णन मिलता है, तो कह रहे हैं ये उपसत के साथ उनका केवल काल बताया जा रहा है, उसमें अंगांगी भाव नहीं है, वो उससे जुड़े हुए नहीं है। यहां पर प्रश्न उठाएंगे तो राजसूय उपसद प्रकृत्य श्रूयते, राजसूय में ही उपसद को करके प्रकृत करके और फिर कथन किया जाता है। तो देखिए इसमें इन्होंने कहा कि राजसूय उपसद प्रकृत्य श्रूयते, राजसूय में उपसद का कथन किया गया और उसको कथन करके ये वचन मिलता है। पुरस्ताद उपसदाम सौम्य न चरंती, तो उपसद के पहले पुरस्ताद पूर्व में सौम्य मतलब सोम देवता वाले चरु से याग करते हैं। सौम्येन चरंती, वहां तात्पर्य है सोम देवता वाले चरु से याग करते हैं। अंतरा त्वाष्ट्रेन, जो बीच का समय होता है, बीच का मतलब पूर्वाह्न और अपराह्न के बीच वाला मध्याह्न में, उसमें त्वाष्ट्र देवता वाला होता है। वो त्वाष्ट्र देवता वाला क्या होता है यहां तो नहीं कहा गया, पर युधिष्ठिर जी ने खोला है अष्टाकपाल पुरनाश होता है, उसको बीच में करते हैं। और उपरिष्टात वैश्वदेवेना, और ऊपर मतलब उसके बाद में यानी अपराह्न में, तो विष्णु देवता का वैष्णवेना विष्णु देवता वाले उन्होंने लिखा त्रिकपाल पुरराश का से त्रिकपाल पुरराश से याग करता है। ये तीन वचन दिए तो तत्र संदेह किम उपसद अंगम सौम्यादय उत उपसत काला इति, उपसत के अंग है अथवा उपसत से इनका काल बताया जा रहा है कि इसको उपसत के आगे और पीछे करें। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है, पूर्व पक्षी प्रथम उपसद अंगम इति ब्रूमा, ये उपसत के अंग हैं। कुतः उपसत संयोग से श्रुतत्व, क्योंकि उपसत का संयोग यहां पर दिखाई दे रहा है और उसके साथ साथ पढ़े गए हैं तो उसके अंग होने चाहिए। काल विधौ सती लक्षणा स्यात्, और यदि आप काल कथन करेंगे तो लक्षणा हो जाएगी, तो काल विधि करने पे लक्षणा यहां क्यों हो जाएगी? अगर यहां पर पुरस्तात उपसदाम सौम्येन या अंतरात्वाष्ट्रेन, यदि यहां पर हम काल बोलेंगे तो लक्षणा क्यों हो जाएगी? या उपसद का कथन उपसद के लिए ना होकर के काल को बताने के लिए होगा, तो काल विधौ सती लक्षणायाम स्यात् तस्मात् उपसद अंगमिति। तो ये तो श्रुति से श्रुतत्वात् मतलब उपसद का संयोग है तो श्रुति होगी, और केवल काल विधि मानेंगे तो ये लक्षणा में चला जाएगा। तो इसलिए इसने कहा कि तस्मात् उपसद अंगमिति। अब इसमें पूर्व पक्षी द्वितीय बोल रहा है ननु कालवद अंगम भविष्यति, बोले काल वाला भी हो जाएगा और अंग भी हो जाएगा, काल वाला अंग हो जाएगा, काल को भी बता रहा है और अंग को भी बता रहा है, ऐसा मान लेंगे। बोले तथा सती उभयम अनुग्रहीत गृहत, दोनों का अनुग्रह हो जाएगा, कौन सा? उपसत संयोगश्च पुरस्तादिति च कालाभिधानम, उपसत शब्द का संयोग यहां पर हुआ है इससे अंगत्व सिद्ध हो जाएगा, यह भी सार्थक हो रहा है, और पुरस्ताद ये काल का वचन भी कहा गया इसलिए यह भी संगत हो जाएगा। उपसत शब्द संयोगाद उपसद अंगता भविष्यति, उपसत शब्द के संयोग से तो उपसत की अंगता होगी, और पुरस्ताद शब्द सामर्थ्याच पूर्वादिशु प्रयोग इति, और पुरस्ताद कैसे पूर्वादि काल में इसका प्रयोग हो जाएगा। तो कालांग काल सहित अंग का कथन मान लिया जाए तो कौन सा दोनों में से ठीक लग रहा है? पुरस्ताद उपसदाम सौम्येन चरंती, पूर्व पक्षी ने तो प्रथम ने कहा नहीं केवल यहां पर अंग ही होगा, तो बोले फिर ये पुरस्ताद शब्द का क्या होगा? और काल लक्षणा में उसने काल में उसने लक्षणा का दोष दिखा दिया, वो होती है नहीं होती है वो अलग बात है, लेकिन उसने काल में लक्षणा का दोष दिखा दिया। और दूसरे ने कहा कि दोनों हो सकते हैं, तो दोनों है ना यहां पर,
वाक्य भेद हो जाएगा, लेकिन है तो दोनों, दिखाई नहीं दे रही है क्या? दोनों ही तो दिखाई दे रही है ना। दूसरा पूर्व पक्षी यही तो कह रहा है, अगर आप एक को लोगे तो दूसरा निरर्थक हो जाएगा, अगर आप केवल उपसत को ही, अंगता को लोगे, तो ये जो काल के लिए पुरस्तात कहा है या अंतरा कहा है या उपरिष्टात कहा है, ये वचन तो व्यर्थ हो जाएंगे ना। इसको भी तो लेना चाहिए, व्यर्थ तो हम किसी को कर नहीं सकते। और केवल काल को लेंगे तो फिर उपसत शब्द यहां पर व्यर्थ हो जाएगा, नहीं तो अंग भी वहां पर होना चाहिए। कहना है कुछ भाई? अंग को अगर आप मानते हो तो कालवाची शब्द व्यर्थ हो रहा है ना, और यदि काल मानते हो तो उपसत शब्द वहां पर व्यर्थ हो रहा है अंग का, नहीं तो दोनों उपसत होने से अंग को ले लेंगे और कालवाची शब्द होने से काल को ले लेंगे, दोनों को ले रहे हैं, जैसा लिखा है वैसा ले रहे हैं, यह शब्द आया तदस्मागम प्रमाणम, तो दोनों दोनों आ जाएंगे। हाँ, गुण विशिष्ट विधि, तो गुण विशिष्ट विधि मानेंगे तो कालांगता होगी ना, काल और अंग दोनों बातें आ गई वहां पर, दोनों के लिए यह वचन हो गया, भले ही गुण विशिष्ट विधि मानो आप। गुण विशिष्ट विधि से वाक्य भेद को आप बचाना चाह रहे हो, ठीक है, तो वाक्य भेद नहीं होगा, लेकिन आ तो दोनों चीजें गई ना, वो इससे उसका अंगत्व भी सिद्ध हुआ ना, और काल भी, अंग को बताना और काल को बताना दोनों को हो गया। परंपरा से मानोगे, लेकिन मानेंगे तो ना भाई, विधि है तो विधि कैसी है? गुण विशिष्ट विधि है तो गुण का भी तो विधान हो गया। मैं वाक्य भेद नहीं कर रहा हूं, दो दो विधान ऐसे नहीं कह रहा हूं। गुण विशिष्ट विधि है, एक तो केवल विधि है कर्म की और एक गुण विशिष्ट विधि है, तो दोनों में अंतर तो मानेंगे ना, तो कालांग हो गया यहां पर। हाँ, पूर्व उपसत की विधि मानते हुए यह इस वाक्य में उपसत का अनुवाद मानते हुए काल की विधि मानेंगे तो उपसत जो है वो व्यर्थ भी नहीं होगा और जो पुरस्तात है वो भी सार्थक हो जाएगा। केवल काल को मानेंगे, देखिए आगे क्या होता है। उच्चते, तो पांचवा सूत्र, पूर्व पक्षी कहता है प्रकरण विभागे प्रकरण अविभागे च विप्रतिषिद्धम ही उभयम् है। नहीं, ये दूसरा वाला है, नहीं ये पहला वाला बनेगा, पहला वाला बनेगा। देखो प्रकरण अविभागे च, क्योंकि यहां पर प्रकरण तो अलग अलग है नहीं, यानी प्रकरण तो एक ही है। विप्रतिषिद्धम ही उभयम्, ये दोनों चीजें परस्पर विपरीत हो जाएंगी। अंगत्व और काल की विधि, ये जो दो चीज करोगे तो ये विप्रतिषिद्ध हो जाएगा। प्रथम पूर्व पक्षी कह रहा है, जिसने अंग की बात कही थी वो कह रहा है, नहीं काल और अंग आप दो को नहीं कर सकते, परस्पर विरुद्ध हो जाएगा। विप्रति सिद्धम ही उभयम् न शक्नोति उपसदाम इति एषः शब्दः सौम्यादिश्च विशेष्टुम् एकस्मिन् वाक्ये पूर्वादिश्च। तो यहां पर ये उपसदाम सौम्येन चरन्ति, तो यहां पर ये जो उपसत शब्द है ये सौम्यादि को विशेषित करने के लिए और काल के लिए, पूर्वादि के, इन दोनों के लिए नहीं हो सकता है। उपसत शब्द तो है, तो पुरस्तात उपसदाम सौम्य न चरंती, तो उपसत शब्द का हम अनुवाद मानेंगे और इसके साथ में सौम्य को का कथन करेंगे, ठीक है, और उपसत के साथ पुरस्तात को भी जोड़ेंगे, तो दो दो चीजें यहां पर नहीं हो सकती हैं। ही तथा वाक्यम तस्मात् न कालवदंगम, द जोड़ लीजिए यहां पर कालवदंगम, तो काल वाला जो अंग है ये यहां पर नहीं हो सकता है। तो होगा कौन सा? तो ये अंग मानना पड़ेगा, इस रूप में ये कथन स्वीकार कर रहा है पूर्व पक्षी प्रथम है ये। इसका खंडन सिद्धांती करेगा छठे सूत्र में, अपि वा काल मात्रम स्यात् अदर्शनात् विशेषस्य, बल यहां केवल काल मात्र का विधान होगा क्योंकि विशेष का यहां पर कथन नहीं है, विशेष को यहां पर नहीं देखा जा रहा है। अन्य जितने काल विधायक वचन होते हैं उन्हीं जैसा ये भी है,
भाई इसमें काल विधायक होते हुए आप यदि कालांग मानते हो कुछ, या तो विशेषता होगी तो आप मान सकते हो, यहां पर और कालांग काल विधायक, काल विधायक शब्दों से इसकी कोई विशेषता नहीं है, इसलिए यह भी काल का ही विधायक होगा। अभिवाहिति पक्ष व्यावृत्ति, काल मात्रम स्यात् न अंग प्रयोजन संबंध, केवल काल का होगा, अंग प्रयोजन संबंध यहां पर नहीं होगा। कुतः तो अदर्शनात् विशेष से, विशेष के न देखे जाने से, न अन्यैहि कालाभिधानैहि अस्य कश्चित् विशेषो लक्ष्यते, अन्य काल का विधान करने वाले वाक्यों से इसकी विशेषता नहीं दिखाई दे रही है। अन्य काल के विधान का वचन ये दे रहे हैं, अग्निमारुतात् ऊर्ध्वम् अनुयाजयिष्यन्ति, तो अग्निमारुत वाले इससे उसके बाद में अनुयाज करते हैं, इत्येवमादि भी उसकी तरह से। तो अत्रापि ही सौम्यादयो विहिता उपसदोपि, यहां भी सौम्यादि पहले से विहित हैं, उपसद भी पहले से विहित है। इयम् आनुपूर्व्यम् अभिहितम् तद विधीयते, इसकी जो आनुपूर्वी है कि इसके बाद में ये करना चाहिए, ये पहले नहीं कही गई थी, वो यहां पर कही गई, तस्मात् कालमात्रमिति। तो उद्देश्य को देखना और जगह कहां क्या कहा गया है वो देखना, सही अर्थ करने के लिए, विधि बताने के लिए आवश्यक है यहां क्या कहा गया, तो यहां केवल काल की विधि कही गई है। अगला अधिकरण चौथा, आमन होमानाम संग्रहणिष्ट्यंगताधिकरणम्। आमन होम, तीन आमन होम माने जाते हैं, तो उनका संग्रहणिष्टि की अंगता का अधिकरण है कि इस आमन होम संग्रहणिष्टि के अंग हैं, ये सिद्ध करेंगे। संग्रहणिष्टि का वचन पीछे आया था हमारे, उसी को यहां पर कह रहे हैं, वैश्वदेवीम संग्रहणीम निर्वपेत ग्राम कामा, वह कामना के संदर्भ में ये बात आई थी, ये कामना इसी जन्म में होती है, यह लौकिक है या पारलौकिक है, उस संदर्भ में ये उन्होंने दिया था। तो वैश्वदेवी विश्वदेवता, विश्वदेव देवता वाली संग्रहिणीम निर्वपेत ग्राम कामः, संग्रहिणी इष्टि को करें। तत्र आमन होमा श्रूयन्ते, वहीं पर ये आमन होम भी पढ़े गए हैं। क्या है तो ये एक वचन है, आमनमस्यामनस्य देवा इति तीसरा आहुतिर जुहोति इति। एक तो आमनमस्यामनस्य देवा, इसको इतने को विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, इति से वैसे ही उसी को कह रहे हैं वो, इति इससे तीसरा आहुतिर, तो मैं जो ह्रस्व इकार है उसको हटा लीजिए, दीर्घ इकार रहेगा, तीसरा आहुतिर जुहोति इति। इस प्रकार से तीन आहुतियों का को करता है। अब ये जो यहाँ शब्द पढ़ा गया है इसमें तीन प्रतीक के रूप में का कथन है, तीन का, एक तो है आम, दूसरा है नमस्य और एक है आमनस्य, प्रतीक के रूप में माने जाते हैं, उनको इकट्ठा करके यहां पर लिखा है। और इसका विग्रह यूं भी करते हैं वैसे, आमनम असी आमनस्य, आमनम असी आमनस्य, ऐसा भी कुछ करते हैं। तो अभी तो मेरे यही समझ में आया हुआ है कि ये प्रतीक है, मंत्रों का जो प्रथम भाग या छोटा भाग लेकर के उल्लेख कर देते हैं ना, तो ये तीन प्रतीक हैं, मिले हुए हैं और इनसे तीन आहुतियां देता है ये, इति तीसरा आहुतिर जो होती थी। अत्र संदेह, किम समप्रधान भूता आमन होमा संग्रहणिष्ट्या उत अंगम तस्याय थी। तो ये संग्रहणिष्टि के समान रूप से प्रधान ये आमन होम है, जैसे संग्रहणिष्टि प्रधान है, याग है, फल उसका कहा गया, उसी तरह से ये भी है, अथवा संग्रहनिष्टि के ये अंग है। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है सम प्रधान भूता इति, ये तो समान रूप से प्रधान है, कुतः तुल्य हेतुत्वादि तरस्य, समान रूप से तुल्य हेतु होने से, दूसरे के भी तुल्य हेतु वाला होने से, तो तुल्यता क्या है, तो तुल्यम ही यजिमत्वम। तो बोले ये जो यागत्व है ये इसमें समान है, यजिमत्व है, यजन वहां भी हो रहा है, यजन यहां भी हो रहा है, इस हेतु से ये समान होने चाहिए। इस पर सिद्धांत कह रहा है, ननु अफला होमा, बोले ये जो होम है ये तो अफल है, बिना फल वाले कहे गए हैं। उच्चते, इस पर पूर्व पक्षी बोल रहा है, यानी संग्रह निष्टि का तो पशुकाम फल कहा गया, लेकिन इनका तो कोई फल नहीं कहा गया, इस दृष्टि से सिद्धांति ने कहा। तो पूर्वक जी कह रहा है, उच्चते ग्राम काम इत्येव अनुषज्यते, बोले ग्राम काम है ना यहां पर संग्रह निष्ठि का, वो अनुशक्त हो जाएगा, ये भी ग्राम की कामना के लिए ही माने जाएंगे।
तस्मात समप्रधान भूता इति एवं प्राप्ते ब्रूमः। तो संप्रधान है, इतना पूर्व पक्षी के द्वारा कहे जाने पर अब सिद्धांति बोल रहा है। ये सातवां सूत्र है, पूर्व पक्षी का नहीं सिद्धांति का है। सूत्र है फलवत् वा उक्त हेतुत्वाद इतरस्य प्रधानम स्यात्। तो फलवत् फल वाला होने से, संग्रहनिष्टि वो फल वाला होने से, और इतरस्य फलवत् वा उक्त हेतुत्वात इसी हेतु से, इतरस्य प्रधानम स्यात् ये जो है ये दूसरे के प्रधान कहलाएंगे। यानी दूसरा का मतलब हो गया ये जो फल वाला है ये दूसरों का प्रधान हो जाएगा, यानी जो दूसरे हैं वो अप्रधान हो जाएंगे, अंग हो जाएंगे, ये दूसरों का प्रधान हो जाएगा। जो फल वाला है वो अफल वालों का प्रधान हो जाएगा। भाष्य फलवत् वा उक्त हेतुत्वात् इतरस्य प्रधानम स्यात्। सूत्र जो का तू है खोल रहे हैं, न चैतदस्ति सम प्रधान भूता होमा इष्ट्या इति। तो ये इष्टि संग्रह निष्टि के समान ही प्रधान रूप में नहीं है। फलवद्धि अफलस्य प्रधानम, जो फल वाला होता है वो अफल का, बिना फल वाले की का प्रधान होता है, मुख्य कहलाता है। फलवती चेष्टि अफला होमा, तो इष्टि तो यहां पर फल वाली कही गई है और होम अफल कहे गए हैं। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है ननु उक्तम अनुषंगो भविष्यति, मैंने ये कहा था कि अनुषंग हो जाएगा, फल वाला हो जाएगा ये भी। इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्चते नानुषंग प्राप्त होती, अनुषंग यहां प्राप्त नहीं हो पाता है। कुतः व्यवधान आयात, व्यवधान व्यवायात, व्यवायात मतलब व्यवधान होने के कारण से। तदुक्तम जैसा कि वहां कहा गया पीछे है कि व्यवायन नानुषचेत, पीछे आया कि व्यवाय होने के कारण से ये वो उसके साथ अनुषंग को प्राप्त नहीं होता है। दूसरे अध्याय के पहले पाद में उसको उल्लेख किया। तो पूछा केन व्यवाय, या किसका व्यवधान है, तो परिधि मंत्र ही, परिधि मंत्रों के द्वारा वहां पर व्यवधान है बीच में, उसको बता रहे हैं ये। उग्रो असी उग्रस्तुम देवेशु, तुम उग्र हो, तुम देवताओं में भी उग्र हो। उग्र का मतलब यहां पर होता है बढ़ा हुआ, तेजस्वी। हाँ, वो उस रूप में निंदित रूप में उग्रता नहीं है यहां पर, यानी क्रोध वाली उग्रता नहीं है, बढ़ा हुआ जो होता है। तो उग्रो असी उग्रस्तुम देवेशु अत्युग्रोहम सजातेषु भूयासम, अल्पविराम। उग्रो असी एक हो गया अल्पविराम, फिर उग्रस्तुम देवेशु ये अल्पविराम हो गया, फिर अत्युग्रो अहम सजातेषु भूयासम यहां अल्पविराम हो गया कि मैं सजातों में, अब मेरे जो सजातीय हैं उनमें उग्र हो जाऊं, बढ़ जाऊं। तो समान जातीय वाले हैं, समान जातीय वाले हैं उसमें मैं बढ़ जाऊं। तो ये सर्वत्वम आधिकारिकम की दृष्टि से भी हम ले सकते हैं कि मैं बढ़ जाऊं, तो बढ़ जाऊं का मतलब क्या होगा, और दुनिया में सबसे ऊंचा बन जाऊं वो भी एक अर्थ हो सकता है, लेकिन वो सब पे घट नहीं सकता है। ये हम जहां पर हैं वहां के लिए होगा कि भी मैं राजनेता बन जाऊं, सरपंच या जो भी गांव में है उसमें ग्रामणी, ग्रामणी गांव वालों का बन जाऊं, तो उसका क्या मतलब है, अपने गांव में वहां पर मैं बन जाऊं, तो जो मेरे सजातीय हैं समान रूप से हैं मैं उनमें बढ़ा हुआ हो जाऊं, जो जिस भी काम में है सबसे सबको तो होगा, जो जिस काम में लगा हुआ है उन लोगों के बीच में मैं अग्रणी हो जाऊं, सभी लगे हुए मैं और अच्छा बन जाऊं। तो सजातेषु भूयासम प्रिय सजातानाम, और मैं सजातों का प्रिय भी हूं, उग्र होते हुए भी प्रिय हूं, उनसे बढ़ करके भी प्रिय बना रहा हूं, नहीं तो बढ़ करके और फिर हम ईर्ष्या के कारण बन जाते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। ये भी तो एक कामना है ना, उचित कामना है ना, इसलिए कई जने फिर कहते हैं भाई इसका तो परिणाम ठीक नहीं आया, कि अगर मैं बढ़ जाऊंगा, अगर मैं ये हो जाएगा तो लोग मेरे से ईर्ष्या करने लगेंगे, मैं उनकी ईर्ष्या का कारण बन जाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि मेरे लोगों में ईर्ष्या आए, मेरे इष्ट मित्रों में ईर्ष्या आए, तो इसलिए मैं नहीं बढ़ूंगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, नहीं आलसी नहीं है वो, प्रयत्नशील तो मतलब, तो वैसा आलसी नहीं है, जो बहाना बना रहा है उसके तो अलग बात है, लेकिन जो कई जने समर्थ होते हुए भी कई बार इन चीजों में पीछे रह जाते हैं कि नहीं देखो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा,
जैसे कपड़े आदि में भी होता है, हालांकि वो छोटी बातें वहां तो चल जाता है, लेकिन जीवन की दृष्टि से अगर मुख्य बातें हैं ना, तो वहां ये बातें नहीं होती। मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, इनको बुरा लगेगा, इसलिए ठीक है कोई बात नहीं। वो सम्मान के लिए कई चीजें होती हैं, जैसे कई बार कपड़े हैं या भोजन है और कोई चीजें हैं, तो उसमें फिर एक समानता की बात रहती है ना, भी अच्छा नहीं लगेगा मैं तो अकेला इतना अच्छा कपड़े पहन के जाऊं, या कोई महिला सोचे कि मैं इतने अच्छे और आभूषण पहन के जाऊं, तो बोले सब फिर मेरे को परेशान करेंगे। और कई पहन के ही इसलिए जाती हैं कि लोग देखें, वह ऐसे कपड़े होने चाहिए कि दूसरों को ईर्ष्या होने लग जाए। ये एक सफलता का माना जाता है कि भाई हमारे अच्छे कपड़े हैं या मैं सुंदर दिख रही हूं, इसकी पहचान क्या है, लोगों में ईर्ष्या पैदा हो जाए, लोग देखने लगे हैं, जो लोगों में ईर्ष्या पैदा हो जाए कि ये ललक हो जाए कि हमारे भी, काश हमारे कपड़े भी ऐसे होते, काश हमारे आभूषण भी ऐसे होते, तब तो है सफलता पहनने की, नहीं तो उनको सफलता ही नहीं है। तो जो समझदार होता है वो क्या करता है, मैं अनावश्यक लोगों के ध्यान का केंद्र, आकर्षण का केंद्र ना बन जाऊं और उससे अपने उनमें ईर्ष्या ना हो जाए। और ईर्ष्या होकर के लाभ क्या मिलेगा, अब जिसको केवल अपनी प्रसन्नता लेनी है वो तो प्रसन्न हो जाएगी कि भाई हाँ देखो सबसे अच्छा हो गया, लेकिन जिसको संबंधों को निभाना है वो क्या करेगी, वो तो ऐसा नहीं, ऐसा पहनेंगे तो देखो वहां अच्छा नहीं लगेगा, उन सबको हीन भावना आएगी, अच्छा नहीं लगेगा, ईर्ष्या होगी, तो इसलिए मैं उस जगह जा रही हूं या जा रहा हूं तो मैं जैसे वहां पर है मैं वैसे ही कपड़े पहन करके जाऊं, वहां अपने दिखाने के लिए नहीं जाऊंगा, अपनी संपन्नता को वहां नहीं दिखाऊंगा, संपन्नता को दिखाना है तो संपन्न लोगों के बीच में दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, इनके बीच में नहीं दिखाऊंगी, यहां तो मेरे को सामान्य जाना है, इनको मन में पीड़ा ना हो, ये भी एक स्थिति होती है ना। तो ये चीज, ये तो व्यवहार में है, संपन्नता तो है लेकिन लोगों के सामने वो प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन कई बार आगे बढ़ने के चक्कर में भी, आगे बढ़ने का जो अवसर होता है वहां भी कि नहीं ये दूसरे क्या सोचेंगे और इनको होगा और इनको संबंधों को मिटाने के लिए गड़बड़ ना हो जाए उसके लिए व्यक्ति कई बार थोड़ा कदम पीछे हटा लेता है, उतना नहीं करता है या छुप करके करता है। तो ये दोनों बातें चाहिए, मैं औरों से उग्र भी हो जाऊं लेकिन प्रिय सजाता ना, मैं उनका प्रिय भी रहूं। और ये कब हो सकता है कि वो योग्य तो बन गया लेकिन सबका हित कर रहा है, वो सबका प्रिय फिर भी बना हुआ है, मैं बढ़ तो जाऊं लेकिन इतना स्वार्थी ना हो जाऊं कि दूसरों का हित करना छोड़ दूं और मैं ही आगे बढ़ जाऊं, तब तो गड़बड़ हो ही जाएगी, अप्रियता आ जाएगी। तो उसका तरीका यही है कि मैं आगे भी बढ़ूं और उन मेरा जो मेरा आगे बढ़ना है वो उनके भी गर्व का कारण बन जाए, उनको भी कुछ लाभ मिले, तो वो उल्टा प्रिय बनेंगे कि देखो हमारा व्यक्ति आगे गया है, उनको अच्छा लगता है, वहां फिर द्वेष नहीं आएगा, वहां ईर्ष्या नहीं आएगी। तो मैं ऐसा आगे बढ़ता हुआ मैं ये ध्यान रखूं कि अन्य जो मेरे सजातीय हैं उनका प्रिय भी बना रहा हूं, उनकी अप्रियता ना आ जाए मेरी, आगे भी बढ़ना है और वो भी मिलाना है। तो प्रिय सजाता नाम उग्रश्चेत्ता वसुवेत, मैं उग्र हो जाऊं और मैं वसुवेत धन संपत्ति से युक्त हो जाऊं, गुण भी हो और साधन भी हो मेरे पास, इत्येवम आदि। ये यहां ये परिधि मंत्र है, वहां ये पढ़े गए, उसको करके परिधि को आहुत करता है, परिधि से संबंधित है वहां पर प्रिय और धनवान। तो एतान अनुक्रम में इसका अनुक्रम करके आमनमस्य आमनस्य देवा इति तिस्र आहुतिर जुहोति इति आमनंती, फिर ये वचन कहा गया है। तो तस्मात संग्रहण्या अंगम आमन होमा इति, तो इनके अलग से फल नहीं कहे गए, ये कहना चाहते हैं। तो ये जो प्रधान है, तो आमन जो होम है इनके अपने आप में कोई फल नहीं कहे गए, इसलिए ये सांग्रहणी के अंग ही माने जाएंगे आमन। तो आमन होमा नाम सांग्रहण्यंगताधिकरणम, आगे पांचवा अधिकरण दधिग्रह से नित्यत्वाधिकरणम। दधिग्रह एक विशेष पात्र है, दधिग्रह दधि जिसमें होता है ऐसा ग्रह, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि वो नित्य है, उसका नित्यत्व है। भाष्य देखिए, ज्योतिष्टों में श्रूयते, ज्योतिष्टों में ये वचन मिलता है, याम वै कांचित अध्वर्युश्च यजमानश्च देवताम अंतरितः, अल्पविराम। जिस किसी देवता को अध्वर्यु और यजमान अंतरित कर देते हैं, देवता अंतरित हो गई यानी छूट गई,
बीच में कुछ हो गया। तस्या आवृश्चेते, ये मध्यमा का प्रथमा का द्विवचन है, तो वो उस देवता से कट जाते हैं, जो देवता छूट जाती है ना उस देवता से वो कट जाते हैं। अब मंच पे बैठे हो, बहुत लोगों को संबोधन करना हो, एक दो विद्वान छूट जाए, देवता है छूट गया, तो यूं लगता है कि कट एक उससे कट जाता है, वो जुड़ा हुआ नहीं रहता। तो या तो सबका नाम लो और या सम्मानित मंच, सबका एक साथ ले लिया, चलो कोई छोड़ा ही नहीं, नहीं तो एक एक का नाम लो। एक एक का नाम लेने में, विशेष करने में विशेष लाभ भी होता है लेकिन विशेष हानि भी हो सकती है, क्रम में भी दिक्कत आ सकती है आगे पीछे में। और वक्ता भी ये सोच करके बोलते हैं, बहुत सारे संबोधन करते हैं कि नहीं इसको मुझे सबसे पहले करना है और इसको सबसे पहले करना है। आप कई बार देखेंगे बोलते समय कोई व्यक्ति तो किसी अधिकारी को, राजनेता को पहले बोल रहा है, और कोई वहां उपस्थित किसी विद्वान को या धार्मिक को पहले बोल रहा है। तो एक ने राजनेता को बोला तो दूसरा सिखाने के लिए वो अच्छी तरह से बोलेगा, पहले उसको बोलेगा। अपना अपना जो है ना उस ढंग से आगे पीछे वो बोलते हैं, सीधे सीधे तो कह नहीं सकते कि भाई आपने इसको पहले क्यों बोल दिया। वो स्वयं दूसरे को पहले बुलाते हुए संकेत करता है कि भाई पहले इसको बुलाया जाना चाहिए, अंदर ही अंदर परोक्ष रूप से चलता रहता है। तो वो उससे कट जाएगा अगर उसको बीच में छोड़ देगा, तो नाम नहीं लेगा तो कट जाएगा। इसी तरह घर में जो लेन देन होती है परिवारों में, उस समय किसी को, किसी परिवार को जो लेन देन में छूट जाता है ना, वो देखो उस दिन बुलाया नहीं था या दिया नहीं था, वो कट जाता है। तो यत प्राजापत्यम दधिग्रहम गृह्णाति शमयति एव एनाम, तो ऐसे में ये जो त्रुटि हो गई, तो प्राजापत्य दधिग्रह को, प्रजापति देवता के लिए दधिग्रह को ग्रहण करता है तो इससे वो शांत हो जाते हैं। तो प्रजापति तो प्रजाओं का पालन करने वाला है, सबके लिए है, तो उसको कर दिया तो सब फिर शांत हो जाते हैं। तो ये प्रायश्चित के रूप में है यहां पर कथन। तो तत्र संदेह किम नित्यो दधिग्रह उत नैमित्तिकाय इति, ये दधिग्रह नित्य है या नैमित्तिक है, क्या आएगा? अभी तक जो पढ़ा है नैमित्तिक ही होना चाहिए, देवता छूट गया तो नैमित्तिक ही होना चाहिए। तो देखिए पूर्व पक्षी हमारे अनुसार ही चल रहा है, किम प्राप्तम, तो आठवां सूत्र दधिग्रह और नैमित्तिक है, श्रुति संयोगा दधिग्रह नैमित्तिक है, श्रुति का संयोग एकदम स्पष्ट है, इसमें तो कोई संदेह की बात ही नहीं है। ये पूर्व पक्षी प्रथम है भाष्य, दधिग्रह नैमित्तिक स्यात् श्रुति संयोगा, देवतांतराय निमित्ते श्रूयते, देवतांतराय इस निमित्त के होने पर दधिग्रह सुना जा रहा है, वाक्य तो यही कह रहा है। न च नित्यो अंतराय, और ये जो अंतराय है ये नित्य तो है नहीं। अगर कोई कहे कि नहीं अंतराय नित्य है तब तो फिर भी दधिग्रह को नित्य कह सकते हो, लेकिन ये कोई जरूरी थोड़ा ना कि हमेशा छूटेगा ही। तो न च नित्यो अंतराय तस्मान नैमित्तिका इति, इसलिए नैमित्तिक है, संगत है ना बात। अब उस पर दूसरा पूर्व पक्षी बोल रहा है, द्वितीय पूर्व पक्षी बोले नित्यश्च ज्येष्ठ शब्दात, बोले नित्य भी है, निमित्त है इसलिए अनित्य भी मान रहा है और साथ में नित्य भी मान रहा है। अब दोनों कैसे हो सकता है नित्य और अनित्य? तो ज्येष्ठ शब्द है, ज्येष्ठ होने के कारण से, बड़ा होने के कारण से। तो भाष्य में देखिए यदुक्तम नैमित्तिक इति तत्गृह्यते, तो पूर्व पक्षी द्वितीय कह रहा है कि आपने जो नैमित्तिक कहा है उसको तो मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन किंतु नित्यश्च, पर साथ में ये नित्य भी है। कुतः, कारण क्या है? तो ज्येष्ठ शब्दात, बोले इसके लिए ज्येष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है। ज्येष्ठ शब्दो भवति, ये वचन मिला, ज्येष्ठो वा एषः ग्रहाणाम, अल्प विराम, ग्रहों में ये जिरे ज्येष्ठ है, यस्य ईशः गृह्यते ज्येष्ठम एव गच्छति, जो इसको ग्रहण करता है, जो इस प्रकार से इसको गृहित करता है, तो वो भी ज्येष्ठ हो जाता है, बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। इति, और ज्येष्ठ शब्दश्च प्राधान्य प्राथम्य वा स्यात्, ज्येष्ठ शब्द और किसमें होगा? प्रधानता में, या तो प्राथम्य हो या तो प्राधान्य हो, उसमें ज्येष्ठ शब्द का प्रयोग होगा। नैषः प्रथमो न प्रधानम्, लेकिन ये न तो प्रथम है न प्रधान है। एक तो प्रथम को भी तो हम कह देते हैं ना, ये प्रथम, नैषः प्रथमो न प्रधानम् यदि नित्य एवं प्रशस्यत्वात् उपपद्यते, ये जो दधिग्रह के लिए कहा जा रहा है नैषः प्रथमो, हम ज्येष्ठत्व जो है, ज्येष्ठ शब्द यहां पर पढ़ा गया है, तो वैसे अपने आप में तो इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो ये प्रथम है और ना इसके लिए प्रधान का कथन किया गया है।
यदि नित्य एवं प्रशस्यत्वात् उपपद्यते, अगर ये नित्य है तो इस प्रकार से ये प्रशस्य होने के कारण यानी ज्येष्ठ होने के कारण से इसका प्रधानत्व तो उपपन्न हो जाता है। न जातु चलाचलम प्रशंसन्ति, जो अनित्य होता है उसकी तो कोई प्रशंसा करते नहीं है। ये प्रशंसा में क्यों है? देखो तो इसको हमारे इसका प्राधान्य इसकी नित्यता कह रहे हैं। नित्यता तभी हो सकती है जब ये ज्येष्ठ ज्येष्ठता के कारण से इसकी नित्यता बता रहे हैं, और ज्येष्ठता या तो प्रथम में होगी या प्रधान में होगी, लेकिन ये प्रथम भी नहीं है प्रधान भी नहीं है तो फिर कैसे होगा? तो बोले ये प्रशंसा के कारण से हो रहा है, इसकी प्रशंसा की गई है, की जाती है। न जातु चलाचलम प्रशंसन्ति, जो चलाचल होता है यानी अनित्य होता है, चल और अचल होता है, आना जाना जिसका लगा रहता है उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता है। तस्मा नित्यश्च नैमित्तिकश्च इति विनापि निमित्तेन गृहीतव्यो निमित्तेनापि पुनरिति। तो ये नित्य भी है और नैमित्तिक भी है, तो बिना निमित्त के भी इसका ग्रहण करना चाहिए और निमित्तेनापि पुनरिति, और निमित्त से भी इसका ग्रहण करना चाहिए। बिना भी निमित्ते ना, बिना निमित्त के भी करना चाहिए और निमित्त के भी करना चाहिए, दोनों को इसने दिखा दिया। चलाचल मतलब चंचल, हाँ चलाचल मतलब चंचल, ठीक है। स्थिर नहीं है मतलब वो अनित्य है। अब आजकल जैसे नौकरियां हैं और हैं जिसमें व्यक्ति रहता है कि कभी भी इधर से छोड़ा उधर, उधर से छोड़ा इधर, स्थिर नहीं रह रहा है, तो जो चलाचल है अस्थिर है उसकी प्रशंसा नहीं होती, स्थिर की प्रशंसा होती है, स्थिरता से कहीं काम करें। आगे दसवां सूत्र, सार्वरूप्याच्च, ये भी पूर्व पक्षी द्वितीय का है। बोले इसके लिए सर्वरूपता का कथन मिलता है, ये इस तरह से एक तरह से इसकी सभी रूप सभी देवताओं वाला रूप यहां पर हो रहा है, तो ये किसी छोड़े गए देवता का नहीं प्रतीत होता है। सर्वरूपता च दृश्यते सर्वेषां वा एतद् देवानां रूपम् यद् एष ग्रहो यस्य एष गृह्यते। तो ये सभी देवताओं का रूप है। सर्वेषां वा एतद् देवानां रूपम् यद् एष ग्रहो गृह्यते, यद् एष ग्रहो यस्य एष गृह्यते। ये जो ग्रह, ग्रह का मतलब अधिग्रह है, और ये जिसका गृहित होता है, जो इसको ग्रहण करता है, तो सर्वाणी एव एनम रूपाणी पशुनाम उपतिष्ठन्ते। तो पशुओं के सभी रूप उसके पास में उपस्थित रहते हैं, अलग अलग तरह के पशु उसके पास रहते हैं, ये प्रशंसा में है। नहीं देवता रूपम अस्माकम किंचित अन्यत प्रत्यक्षम, अन्यत अतो नित्यत्वात्। बोले देवताओं का और कोई रूप हमें प्रत्यक्ष नहीं है। नहीं देवता रूपम अस्माकम किंचित अन्यत प्रत्यक्षम, देवता का और कोई रूप हमको प्रत्यक्ष नहीं है, किसको छोड़ के? अन्यत तो नित्यत्वात्, नित्यत्व से छोड़ करके और कुछ हमारे को रूप नहीं है, यानी देवता का नित्यत्व तो है ही। तस्मादपि नित्यश्च नैमित्तिकश्च इति, इसलिए भी इसको नित्य भी मानते हैं और नैमित्तिक भी मानते हैं। निमित्त तो हमें दिख ही रहा है लेकिन इसको नित्य भी मान रहे हैं, नित्य और नैमित्तिक दोनों मान रहे हैं। आगे सिद्धांति 11वां सूत्र, नित्यो वा स्याद अर्थवाद तयोः कर्मणि असंबंधात भंगित्वाच्च अंतरायस्य। अच्छा, जिसको हमने नित्य और अनित्य माना, दोनों मान लेंगे तो करेंगे क्या उसका? हम उसको नित्य की तरह से करना है, हमारे को उपस्थित रखना है, अथवा अनित्य नैमित्तिक मानेंगे तो अनित्य मानेंगे, तो उसको रखना है या नहीं रखना है, करना है या नहीं करना है, ये तो द्वंद्व आ जाएगा ना, मानना तो एक ही पड़ेगा, दोनों तो कर नहीं सकते। तो नित्य उपास्यात, सिद्धांत कह रहा है कि ये नित्य होवे। अर्थवादस्तयो कर्मणि असंबंधात, और ये जो इनका कथन किया गया ये इसका अर्थवाद है, इसकी प्रशंसा मात्र है। ये जो ज्येष्ठत्व कहा गया था या सार्वरूपत्व अर्थवाद कहा गया था, ये तो इनका अर्थवाद है केवल। तयो कर्मणि असंबंधात, क्योंकि उन दोनों का यानी अध्वर्य और यजमान का कर्म में यानी कर्म के अंतराय के साथ में संबंध ना होने से, वहां कर्म में इसका अंतराय नहीं होता, वो विधियां ऐसी हैं कि उसमें अंतराय नहीं होता है और दोनों के द्वारा किया जाता है। असंबंधात भंगित्वाच्च अंतराय से, और जो अंतराय है वो तो अनित्य होता है, अंतराय हमेशा नहीं हो सकता है, अनित्य ही होगा।
आशय। यदुक्तम नित्यो नैमित्तिकश्चय इति, जो आपने नित्य और नैमित्तिक दोनों कहा था, तत्र नित्य एव स्यात्, केवल नित्य ही होगा। ज्येष्ठ शब्दात् सर्वरूप्याच्च, ज्येष्ठ शब्द होने से और सर्वरूप होने से केवल नित्य ही होगा। यदुक्तम देवतांतराय निमित्ते श्रूयते इति, और जो आपने कहा कि देवता का अंतराय होने पर इस निमित्त से इसका अधिग्रह का ग्रहण सुना जाता है, तो न देवतांतरायो निमित्तत्वेन गम्यते। देवतांतराय इस वाक्य में निमित्त के रूप में नहीं कहा गया है कि इसका अंतराय हो तो यह करना चाहिए। तयोः अध्वर्यो यजमानयोः कर्मणि अंतरायेण, यहां पर संबंधात लिखा है लेकिन पाठभेद असंबंधात मिलता है, वो अधिक संगत है कि इनमें अध्वर्यो और यजमान के कर्म के अंतराय से असंबद्ध होने से ये अंतराय से युक्त नहीं होते। अब सिद्धांति ने क्या कहा, न देवतांतरायो निमित्तत्वेन गम्यते, यहां ये निमित्त के रूप में नहीं कहा जा रहा है। उस पंक्ति को देखिए फिर से, प्रथम वाली को, याम वै कांश्चित अध्वर्योश्च यजमानश्च देवताम अंतरितः, अंतरित कर दिया तो तस्याः आवृश्चेते, वो उससे हट कर जाते हैं। यत् प्राजापत्यम दधिग्रहम गृह्णाति शमयति एव इनाम। अब यहां लगे शमयति, इस दृष्टि से हमें लगता है कि ये निमित्त के रूप में कथन है, लेकिन भाष्यकार का कहना है कि यहां सीधे सीधे उसकी निमित्तता यहां दिखाई नहीं जा रही है, निमित्त इससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो न देवतांतरायो निमित्तत्वेन गम्यते, न ही, आगे देखिए, न ही एतत् श्रूयते, यहां ये नहीं सुना जा रहा है, अध्वर्युणा देवता अंतरितव्या यजमानेन वा इति, देवता का अंतराल करना चाहिए अध्वर्यु या यजमान के द्वारा, ये तो यहां पर नहीं कहा गया। और अनित्यो ही अंतराय, अंतराय तो यहां पर अनित्य है। न चैवम शब्दो अस्ति अंतराय सति दधिग्रहो गृहीतव्य इति, और ऐसा भी यहां पर शब्द नहीं है कि अंतराय के होने पर दधिग्रह ग्रहण करना चाहिए, ऐसा नहीं सीधे सीधे कथन है। लेकिन हम ये अर्थ क्यों ले रहे थे, क्योंकि उससे कट जाता है और जब ये कर लेता है प्रायश्चित के रूप में तो वो शांत हो जाता है, शांति हो जाती है, शमयति दोष को शांत कर देता है, इसलिए हम उसको ऐसा होने पर ऐसा करना चाहिए। लेकिन शब्द ऐसा नहीं कह रहा है कि अंतराय हो तो आपको ये करना चाहिए, सीधा कोई शब्द नहीं है। न चैवम शब्दो अस्ति अंतराय सति दधिग्रहो गृहीतव्येति, विनैव संयोगेन दधिग्रहस्य ग्रहणम्। तो बिना संयोग के, यानी बिना अंतराय के संयोग के दधिग्रह का ग्रहण यहां पर किया गया है। अंतराय समाधानम तु अस्य प्रयोजनमिति, अंतराय का समाधान करना इसका प्रयोजन है प्रायश्चित के रूप में। तदेतत् नित्यवत ग्रहणम, तो दधिग्रह का ग्रहण तो नित्यवत होगा, लेकिन अनित्यम प्रयोजनम, प्रयोजन अनित्य होगा लेकिन ग्रहण तो नित्य ही होगा। नहीं समझ में, ऐसा कैसे हो सकता है, ग्रहण तो नित्य होगा लेकिन प्रयोजन अनित्य है, ये तो बड़ी विचित्र बात होगी। लेकिन सिद्धांती देखो यही कह रहा है, समझते हैं इसको, अभी देखिए आगे। नित्यम गृह्णीयात अनित्यम अंतरायम समाधातुम इति नावकल्पते, ऐसा नहीं कह सकते कि नित्य ग्रहण करे और नित्य अंतराय के समाधान के लिए, अनित्य अंतराय के समाधान के लिए नित्य ग्रहण करे, बोले ये कौन सा संगत बात हुई भाई, अनित्य है तो अनित्य ही करना चाहिए। तत्र प्रयोजने अनित्यवाद, अनित्यवाद ग्रहणे नित्यवत् श्रुतिर्बाध्यते, यदि अनित्यत्वात्, हाँ तत्र प्रयोजने, प्रयोजन के यहां पर अनित्यत्वात् ग्रहणे, अनित्यत्वात् इति हेतु, ये जो है ना इसको हेतु के रूप में लीजिए, ये जो अनित्यत्वात् है इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए। यहां प्रयोजन में अनित्यत्वात् के ग्रहण करने से, प्रयोजन मान करके अनित्य जब जब ये होगा तब तब ऐसा मानने पर नित्यवत् श्रुतिर्बाध्यते, नित्य के समान जो श्रुति है उसकी बाधा होने लगेगी। अर्थवादत्वे तु न बाध्यते, और अगर यहां अर्थवाद मान लिया जाए तो कोई बाधा नहीं है, प्रशंसा की जा रही है बस इसकी, दधिग्रह की, कि जब दधिग्रह होगा और ऐसे में अगर कोई देवता छूट भी गया तो भी शांति होगी। ठीक है समझिए, एक तो है कि देवता छूट गया तो उसके प्रायश्चित के लिए यह करें, ये नहीं कि अगर दधिग्रह पास में है तो देवता छूट भी गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है। वाक्य का अर्थ अब अपशकुन लग रहा है, हमने चने पास में रख लिए रास्ते के लिए, और वो किस लिए रखे थे चने, भोजन अगर छूट जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम चने खा लेंगे। तो यात्रा में चने का ग्रहण नित्यवत लेना चाहिए या अनित्यवत ग्रहण करना चाहिए
बताओ भाई यू कहे कि जिस समय हमारा भोजन छूटेगा तो चना ले लेंगे, रमेश मुनि जी चने लेके चलते हैं और भी कुछ लेके चलते हैं, चने साथ में रखते हैं। तो भोजन जब छूटेगा वो निमित्त होने पे, हमको ये नैमित्तिक होने पे, तब तब हम ग्रहण करेंगे चने को अथवा साथ में लेके चलेंगे। तो ग्रहण करना तो नित्य ही रहेगा, है नैमित्तिक वो, लेकिन ग्रहण निमित्त का है। इसी तरह से आजकल अग्निशमन के लिए वो यंत्र लगे रहते हैं ना, फायर ब्रिगेड के वो लगे रहते हैं, पाइप लगे रहते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, आपको पानी वानी सप्लाई के लिए वो सारी व्यवस्था आजकल अनिवार्य कर दी गई है। ऐसा ऐसा ही होना चाहिए। वो नित्य है या अनित्य है? वहां पर नित्य है, लेकिन है नैमित्तिक, हमेशा काम में आते हैं क्या वो? आग लगने पे काम में आते हैं। तो नैमित्तिक होते हुए भी ग्रहण तो नित्य हो रहा है पर नैमित्तिक है। तो प्रश्न ये आएगा, अगर हम इसको नैमित्तिक मान लेते हैं तब तो भाई जब जब निमित्त आएगा तब तक हो जाएगा। जैसे पहले आग लगती थी तो फायर ब्रिगेड आती थी वहां पर, तब तक देर हो जाती थी और वो पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, साधन हो नहीं हो। तो नैमित्तिक होते हुए भी ये नित्य के समान ग्रहण की जाती है, उसमें अनित्यता नहीं देखी जाएगी। अब पूर्व पक्षी दूसरा वाला वो दोनों देख रहा था कि भाई यहां पर नित्य भी है और नैमित्तिक भी है, दोनों देखेंगे। प्रथम पूर्व पक्षी केवल अनित्यता देख रहा था इसकी, सिद्धांत देने का नहीं, दोनों होंगे यहां पर। दोनों मतलब वास्तव में दोनों नहीं होंगे, इसको नित्य ही माना जाएगा, नित्य ही माना जाएगा, भले ही नैमित्तिक है तो भी नित्य माना जाएगा इसको। आगे नहीं तदंतर अंतरायम समाधातुम क्रियते, इस अंतराय के समाधान के लिए ग्रहण नहीं किया जा रहा है कि जब जब अंतराय होगा तब उस रूप में। अन्य देव प्रयोजनम अस्य अस्ति इति प्रशंसितुम अभिधीयते, इसका अन्य ही प्रयोजन है, उसकी प्रशंसा के लिए यहां पर कथन किया। दतिग्रहस्य तु सोमांगता एव प्रयोजनम इति, दतिग्रह जो है वो सोमांगता है, सोम के लिए ही यहां पर लिया गया है। और उसको, इसको आप दूसरे ढंग से यूं कहिए कि थोड़ा ये मैंने दूसरे उदाहरण दिए ना, तो इसमें फिर भी निमित्तता है थोड़ी, लेकिन कुछ चीजें जो हमारे पास में रहती ही हैं, रहनी ही चाहिए हमारे दूसरे प्रयोजन के लिए, लेकिन हम कहेंगे कि अगर ऐसा हो तो ये भी कर लेते हैं। मान लो हमने चादर पहन रखी है, और चादर तो हम वैसे भी पहनते ही हैं, लेकिन अगर कहीं पानी की जरूरत पड़ी और रस्सी नहीं हुई तो इससे पानी भी निकाल लेंगे, ये है, चिंता नहीं करने की बात है। लेकिन इसका वो प्रयोजक नहीं है अपने आप में, अपने आप में ये निमित्त नहीं है, लेकिन वो हमारे पास में है, उस तरह से लेंगे। भंगित्वाच अंतराय से, और जो अंतराय है वो तो अनित्य है, वो तो हमेशा होता नहीं है, कभी कभी होता है। भंगी च अंतराय अनित्यो, ये जो अंतराय है ये अनित्य है, नित्य प्रशंसार्थम संकीर्त्यते, इसका कथन क्यों किया गया? जो नित्य है उसकी प्रशंसा के लिए कथन किया जा रहा है। है तो वो नित्य दधिग्रह, लेकिन ये ऐसा होने पे यहां काम में दे जाएगा, उसकी प्रशंसा के लिए किया जा रहा है। तस्मात नहीं दोष है, इसलिए कोई दोष नहीं है, नित्य एव दधिग्रह इति, दधिग्रह का को तो नित्य ही ग्रहण करना चाहिए। तो दधिग्रह से अनित्यताधिकरणम, दधिग्रहण की अनित्यता यहां पर बताई गई है, है दधिग्रहण ग्रहण से नित्यता अधिकरण, हाँ नित्यता इसकी बताई गई है। तो इसको देखो दो तरह से हम समझ सकते हैं ना, हम एक तो प्रथम दृष्टि, तीन तरह से, मतलब उचित तो दो हैं, दोनों तरह से उचित देखा जा सकता है अलग अलग प्रसंग में। हम केवल ये देखें कि ये तो नैमित्तिक है तो ये तो अनित्य ही होगा, ये नैमित्तिक है तो ये तो अनित्य ही होगा, इस तरह से सब जगह नहीं चला जा सकता। तो कुछ तो उदाहरण जैसे मैंने चने का और अग्निशमन का दिया, वहां पर नैमित्तिक होते हुए भी उसका नित्य ग्रहण होता है, एक तो वो बात हुई। और एक जो दूसरा कथन यहां जिस तरह अधिक संगत वो है कि ऐसी चीज जो कि अन्य प्रयोजन के लिए नित्य ही ली गई है पर उसकी प्रशंसा की जा रही है कि भाई ये इतना है कि अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो वो भी काम आ जाएगी। बोले ये लोग क्या आजकल पैंट शर्ट पहनते हैं, ये जरूरत पड़ी तो इनके क्या काम आएंगे ये? बोले हमारा तो ऐसा है कि कभी पानी निकालना हो या कोई नदी में गड्ढे में गिर गया हो तो रस्सी की तरह बांध करके उसको पकड़ करके खींच भी सकते हैं, अपनी प्रशंसा के लिए कह देते हैं ना। बोले कच्चे पहनते हैं हम तो लंगोट पहनते हैं, तो कभी जरूरत पड़ी तो वो काम में आ सकता है, कभी सांप ने काट लिया तो रस्सी से बांध सकते हैं, ईद कपड़ों का कैसे करेंगे, ऐसे करके। यानी जो वैसे तो हमारे लिए अलग से उपयोग है लेकिन हम अतिरिक्त लाभ दिखाते हुए इसका प्रयोग करते हैं कि भाई देखो ये साथ में होता है तो ये भी हो जाता है। कई बार प्रशंसा करते हैं ना इन इन चीजों की, ऐसा हो तो हम देखो ये कर लेते हैं, इसके ये लाभ हैं, इसके ये लाभ हैं, ये उस तरह से है। नित्य ग्रहण होते हुए भी निमित्त भले ही कथन किया जा रहा है, निमित्त इसके होने पर ये होता है, वो उसकी प्रशंसा मात्र के लिए, अतिरिक्त लाभ के रूप में ये कथन किया गया है।
सो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणोदन। ओ सभी को सत्र विवेकन ओम शांति।